सर गठबंधन के एक साथी में चिराग पासवान का नाम, चिराग पासवान ने कहा था एक गठबंधन कि मुझे कोई मंत्रालय से लेना देना नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी जो फैसला लेंगे हमें वो स्वीकार है राष्ट्रहित में। आज बिहार के लिहाज से भी चिराग को एक बेहतरीन इनाम मिल गया है, पहली बार मंत्री बन रहे हैं चिराग, और जिस तरह का स्नेहिल हाथ प्रधानमंत्री ने चिराग पर डाला था वैसा किसी पे नहीं डाला। आप चिराग पर मोदी के इस भरोसे को किस रूप में देख रहे हैं, बिहार और चिराग के भविष्य को लेकर के, चिराग से जो एक उम्मीद देश को जगी है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं चिराग दलित परिवार से आते हैं और इस देश में बड़ा षड्यंत्र हो रहा है दलितों को सनातन से काटने का, चिराग उसके एक बहुत बड़े एम्बेसडर के रूप में सामने आ रहे हैं अपने पिता से कई गुना बेहतरीन तरीके से। मनी जी, बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उस आदमी ने अकेले पूरी लड़ाई लड़ी, भले सफलता उस तरह से नहीं मिली थी लेकिन अकेले दम पे लड़ना तो पता चलता कितना जीवट है, और अब की लोकसभा के चुनाव में 5 में 5 सीटें जीत के आए तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, जो जिसको थोड़ी बहुत समझ वो भी कह देगा कि हाँ बेस्ट। लेकिन मनीष जी, जिस दिन कल जब चिराग पासवान शपथ ले रहे थे तो मुझको एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि चिराग पासवान का जमीनी परफॉर्मेंस, मैंने इसीलिए चुनाव की बात की, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो तो वो आदमी जमीन से जुड़ा तो है ही, और चिराग पासवान आने वाले समय में अगर बिहार का चेहरा बनते हैं तो ये बहुत बड़ा कायाकल्प बिहार के लिए होगा, क्योंकि पिछले 25-30 साल में लालू जैसे लोगों ने, बाद में लालू के नवा फेल लड़कों ने बिहार की छवि मनी जी बड़ी उजड़ता फुहड़ता अराजकता ये बना रखी थी, खुद भी ये वैसे रूपक बनाए रहते थे, वैसे चेहरा बनाए रहते थे, वही आचरण करते थे। लेकिन कल अगर आप शपथ ग्रहण को ध्यान करिए तो मेरे ख्याल से सबसे वेल ड्रेस्ड अगर कोई आदमी आया था तो चिराग पासवान, तो वो बिहार का चेहरा वहां पे, चिराग पासवान नहीं, चिराग पासवान बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे थे उस राष्ट्रपति भवन के परिसर में, और उसको देखकर पूरे देश में एक छवि की बनेगी कि नहीं बिहार में ऐसे भी नेता हैं। और मैंने इसीलिए चुनाव की जिक्र पहले किया कि केवल वो मंच पे आपको ये चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, वो आदमी जमीन पर भी उसने कैसी मेहनत की है, पहले विधानसभा का चुनाव और उसके बाद ये लोकसभा का चुनाव बता रहा, और जमीन से जुड़े होने के साथ आप सब दिखे, शिष्ट दिखे, सुशील दिखे, विनम्र दिखे, तो वो चेहरा था, तो एक तरह से बिहार का चेहरा और चरित्र वो देश क्या देखे क्या समझे और क्या जाने, ये इसकी एक बेहतरीन शुरुआत है, और उसका बेहतरीन ब्रांड एम्बेसडर एक नौजवान चिराग पासवान के रूप में मिला है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कल, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मंच पर सर्वाधिक अगर किसी आदमी को समय दिया चाहे वो 1 मिनट 1.5 मिनट का, तो चिराग पासवान को ही रुक कर दिया, तो उनको भी अच्छा लग रहा है कि आदमी आ रहा है जो बिहार में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, और बेहतरीन व्यक्तित्व है वो, ज्यादा करीबी जानते होंगे, हम लोग तो केवल जो देखते हैं उसकी बात करते हैं, वो ज्यादा बेहतर जान रहे होंगे, उनके पास ज्यादा बेहतर रिपोर्टें होंगी। तो मनीष जी, आने वाला कल बिहार के लिए बहुत शुभ है, अगर चिराग पासवान के लिए बहुत शुभ है, और अब वो बिहार के लोग कैसा समर्थन देते हैं, लेकिन आपको एक ऐसा ब्रांड एम्बेसडर मिला है जो जो देश में बिहार की छवि बदल देगा, जिसको लालू यादव जैसे लोगों ने पिछले 30 साल में खराब किया, ऐसा खराब किया है कि मतलब एक बार पहले मनीष जी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि पूरे देश में मुख्यमंत्री होली खेलते हैं लेकिन लालू की फोटो आती थी अंडरवियर बनियान पहने ढोल बजा रहे और उड़दंग करते हंसी हंसी, मीडिया ने उसी में सबसे अधिक बेचा, उस मीडिया को उसमें टीआरपी, उस उड़दंग में टीआरपी नजर आई और उसी को बेचा गया, हुल्लड़ पर बना दिया बिहार को। हाँ, बिहार को हुल्लड़ का अड्डा, हुल्लड़बाजों का अड्डा जैसे बना दिया था, मीडिया को टीआरपी मिलती थी, लेकिन मनीष जी बिहार की छवि क्या बनती थी कि मुख्यमंत्री निवास के अंदर इस तरह से होली खेली जा रही है, मतलब जैसे रिक्शे वाले खेल रहे हो, तो वो दौर मैंने देखा बड़े करीब से, और आज की बात जब कल चिराग पासवान को देखा तो अच्छा लगा। और मनीष जी, चिराग पासवान के लिए बड़ा सुनहरा अवसर है, जो देश के लिए तो है ही है लेकिन बिहार के लिए बड़ा सुनहरा अवसर है। एक आपके बिहार के पत्रकार है मेरे ख्याल से राजकिशोर सिन्हा, उनकी मैंने आज 6 साल पुरानी पोस्ट निकाली है और उस पोस्ट को जो है सतीश जी की आवाज हैंग हो गई है, मुझे लगता है कि पिक्चर यदि हम दोबारा कोशिश कर, जी जी आ रही आवाज है, जी 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 राजकिशोर जी की बात कर रहे थे आप।
राजकिशोर सिन्हा जी हैं, कोई आपके जमुई में के, जमुई के हैं, एडिटर आप दिल्ली में रहते हैं, और इन्होंने 6 साल पहले वो लिखा था, मैंने उसको संभाल के रखा था, तो वो पोस्ट आज काम आ रही है। जरा दर्शक समझे कि मनीष जी काफी आती थी, आपने भी बचपन में खाई होगी, मैंने भी खाई थी, और मेरे ख्याल से जो दर्शक हैं उन सबने खाई होगी मॉर्टोन, वो बड़ी बड़ा बेहतरीन बेहतरीन उसका स्वाद होता था। और जब मैंने उनकी पोस्ट अंदर में पढ़ी नारियल तब होता मुझे, था। हाँ, अंदर में नारियल होता था, खोया भरा होता था, और मैंने जब उनकी पोस्ट पढ़ी तो मैं दंग रह गया कि वो बिहार में बनती थी, बिहार में बनती थी, इस लालू के सारण, जहां सारण जहां से चुनाव लड़ता है, बिल्कुल 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 और उस मॉर्टन टॉफी की जरा उसी का वो जो राजकिशोर सिन्हा जी ने, मेरे ख्याल से दिल्ली में बुजुर्ग है वो, तो उनकी मैं बहुत छोटी सी पोस्ट पढ़े देता हूँ, ताकि आप समझ लीजिए कि जो फूड प्रोसेसिंग की बात हो रही है कि उसका कैसा सत्यानाश हुआ बिहार में। जरा देखिए, जी। दर्शकों को ध्यान से सुनिएगा, मुश्किल से दो दो 3 मिनट किया है, कि क्या लिखा था उन्होंने, और उनकी तारीख थी 18 जनवरी 2018 की, उनकी ये पोस्ट है, यानी आज से 6 साल पहले की। मनीष जी ने लिखा था कि बिहार को बर्बाद करने के जिम्मेदार कौन कौन, छपरा के पास सारण जिले में मढ़ौरा में मॉर्टन लेमन चूस टॉफी की बड़ी प्रसिद्ध फैक्ट्री थी, बिहार के एक तथा कथित बड़े नेता का रिश्तेदार उस फैक्ट्री से प्रत्येक महीने 1 से 1.5 लाख रुपए रंगदारी वसूलता था, वह मार्टन कंपनी बिड़ला की थी, इसमें तैयार टॉफी के अंदर खोया भी डाला जाता था, जिसके लिए फैक्ट्री ने गायें भी पाल रखी थी जिनके दूध से खोया तैयार होता था, मतलब एकदम गाय के दूध से बना खोया। नेताजी के रिश्तेदार को नियमित रूप से रंगदारी भी मिल रही थी, लेकिन बाद में रंगदारी और बढ़ा दी गई और नहीं देने पर गायों को खोलकर भगा दिया गया, मजबूरन पिछले 19 साल से यह फैक्ट्री बंद है। बिहार के कोई नेता, कोई पत्रकार इस पर प्रकाश डालेंगे, कोई सामाजिक न्याय के पैरोकार यह बताएंगे कि बिहार के चीनी मिल क्यों बंद हो गए। ये आज से 6 साल पहले और राजकिशोर सिन्हा लिख रहे थे, और मैंने जब पढ़ा मनीष जी, मैं दंग रह गया, और तब मेरी समझ में आया कि मॉर्टन टॉफी इतनी बेहतरीन क्यों होती थी, पूरे देश के बच्चों की पहली पसंद थी वो, कि वो बिल्कुल गाय पाल के बिल्कुल किस कि, किस तरह से वो बनती थी, और वो 2018 में वो लिख रहे, पता नहीं वो है भी नहीं, क्योंकि काफी वरिष्ठ थे, और वो बता रहे कि 19 साल पर, यानी 1999 में वो बंद हो गई, और बंद होने का कारण उन्होंने खुलासा लिखा है। और मनीष जी आप ज्यादा बेहतर जानते हो कि छपरा कि वहां कौन नेता का रिश्तेदार, कौन रंगदारी वसूलता, उसकी बिल्कुल और भी तो बिल्कुल औकात नहीं थी 1999 लालू यादव के में। दोनों साले थे, लालू यादव का के इशारे पे वो करते थे। और जरा मनीष जी वो दिखा दीजिए, वो पोस्ट भी दिखा दीजिए, और वो मॉर्टन फैक्ट्री की हालत दिखा दीजिए, किस हालत में उन्होंने फोटो सहित डाला था, कि क्या क्या हाल कर दिया था उस फैक्ट्री का, जिसका जिसका डंका पूरे देश में बजता था। तो चिराग पासवान के लिए एक मतलब बोंबा ये है, एक बचपन हम लोगों के लिए खास होता था कि यदि थोड़ा 10 पैसे से ज्यादा वाला कोई यदि टॉफी है तो ये मोटे उनसे मेरे हाँ ख्याल से 50 पैसे का संभवतः मिलता था। देखिए और किस तरह से इसको बर्बाद किया गया, आपने अच्छी याद दिला दी, किस तरह से बिहार की तबाही जो है कैसे लाई गई है। ये वानगी मुझे लगता है शायद हाँ खुल नहीं रहा लिंक, यदि ऐसे ही हम लोग देख लेंगे मोटो ए हाँ ये ये मनीष जी, देखिए ये ऐसे ही देख ले पूरा, यदि नहीं खुल पा रहा है ये देखिए मॉर्टन हाँ चॉकलेट है, और ये उस समय का नंबर वन जो है, उस समय इससे बेहतर कोई नंबर चॉकलेट वन नहीं। आजकल तो एक से एक आ गया, लेकिन वो कितना मिलावट क्या क्या है, और उसमें कहा जाता था कि गाय के दूध का खोया होता था अंदर में, नारियल के ऊपर परत वो खोए का दिखे चढ़ाया जाता था वो। और वो लाजवाब होता था। इस गुंडागर्दी सर, यही नहीं सर, इसीलिए बिहार में सर ये मैं कई बार कहता हूं कि लोग जब गाड़ियां खरीदते थे, मोटरसाइकिल और कार खरीदते थे, तो स्क्रैच खुद डाल देते थे क्योंकि लालू के गुंडे छीन कर ले जाएंगे। अब देखिए इसकी वानगी, आप इसको आगे बढ़ाइएगा सर, देखिए एक चीज और दिखा रहा हूं मैं आपको, ये पप्पू यादव जीत करके आया है। देखिए कि क्या ये पप्पू यादव लालू के उस दौर का सबसे बड़ा माफिया हुआ करता था। आज पप्पू यादव पे FIR हो गई है, पूर्णिया में रहना है तो 1 करोड़ रंगदारी देना पड़ेगा। ये सबको सर 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 बोलता है। आज प्रियंका वाड्रा से मिले से पता है कि निर्दलीय रहने पर औकात नहीं रहेगी, तो जाकर के आज प्रियंका वाड्रा से मिला है और इस पर FIR बिहार में हो गई है, पूर्णिया में रहना है तो 1 करोड़ रंगदारी देना पड़ेगा। ये पप्पू यादव का आतंक 90 के दशक में कहते हैं कितना जबरदस्त था, इतना जबरदस्त आतंक था। आज इन लोग इसकी छवि कुछ कोरोना काल में बाढ़ आने पे ये 2-4 फोटो खिंचा करके बनाई जाती है। इन लोगों ने कैसे तबाह किया मॉर्टन कंपनी, नहीं बिहार में, उत्तर बिहार में बरौनी जिस शहर में मेरा पूरा बचपन बीता है, खाद का कारखाना, थर्मल पावर, डेयरी, पूरी तबाह। जो
पूरा देखिए जूट मिल का एक बड़ा केंद्र दरभंगा में था, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया लालू काल में। और ये लालू का बेटा कहता है कि 10 लाख हम रोजगार देंगे बिहार, पूरे बिहार को, और इसीलिए बिहारी सब भाग करके वापस आए। तब जब तेजस, जब कहते हैं चिराग पासवान की बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, इस नारे से तो ऐसा लगता है कि एक उम्मीद जो है वो बिहार की तरफ बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, तो एक नौजवान चेहरा और जो आज की तारीख में जिसको आप 21वीं सदी का नौजवान कह सकते हैं, तो चिराग पासवान 100% उस कसौटी में खड़े उतरते दिखाई देते हैं और आचरण भी वैसा ही है। तो वो जो 90 के दशक में, 90 से 2000 तक जो बिहार के मुख्यमंत्री आवास पे, अधिकारी के आवास पे जांगिया बनियान पहन के होली के हुल्लड़बाज जो हुड़दंग करते थे, वहां से कल राष्ट्रपति परिसर, भवन परिसर में सबसे वेल ड्रेस्ड अगर कोई मिनिस्टर था तो चिराग पासवान। तो ये एक बड़ा परिवर्तन जो नजर आ रहा है, और वो परिवर्तन आगे बढ़े, मेरी जो शुभकामनाएं हैं बिहार को भी, चिराग पासवान को भी। बिल्कुल, अब सब ये उम्मीद करते हैं कि वहां से बदलेगा बिहार।